करनाल के घरौंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन तेज कर दिया है। किसान यहां पर 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता वह आंदोलनरत रहेंगे। इस दौरान किसानों ने मोदी, खट्टर व दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। किसान संगठनों ने ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक टोल फ्री करवाएंगे। साथ ही भूख हड़ताल पर महिला आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लोकगीत गाकर सरकार का विरोध जाहिर किया। वही खून से लिखा एक बैनर सामाजिक संस्था के सदस्यों ने किसान नेताओं को सौंपा। किसानों को समर्थन देने के लिए राजनीतिक दलों के साथ कर्मचारी संगठन सीटू के सदस्य भी पहुंचे। इस दौरान सीटू से जुड़ी एक आंगनवाड़ी वर्कर ने सरकार व पीएम मोदी को जमकर कोसा। बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अजय राणा ने 1 दिन की भूख हड़ताल रखी। एडवोकेट सोनिया ने अपने खून से लिखा एक बैनर अजय राणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए दिया। किसान आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हो चुके किसान भजन ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। धरने के 3रे दिन किसान संगठनों ने ऐलान किया कि जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक टोल टैक्स फ्री रखा जाएगा व किसान भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। घरौंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। टोल टैक्स के लिए हमने पहले 25, 26, 27 तारीख निर्धारित की थी, लेकिन ऊपर से आदेश आ गए तो अब ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा हमारा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती ये धरना फ्री ऐसे चलता रहेगा टोल टैक्स। और आज मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ, मेरा पहला दिन है भूख हड़ताल का, और कल को हमारे 8-9 साथी और बैठेंगे। ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और तेज़ी से बढ़ता चल जाएगा। जैसे आज आप देख रहे हैं आज हमारे कितने साथी और नए जुड़े हैं आकर गाँव से, गलियों से, शहरों से। ये आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं रहेगा, किसानों का आंदोलन नहीं है ये एक जन आंदोलन है। ये हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में पहुंच चुका है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर इस आंदोलन की चर्चा ना हो। सभी जो किसान भी नहीं हैं वो लोग भी इस आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी सहानुभूति, उनकी भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। हो सकता है वे हमारे साथ ना खड़े हों, कोई मजबूरी हो सकती है उनकी, लेकिन भावनाएँ हमारे साथ उनकी। अगर सरकार समझदार है तो जल्दी हमारी बात मान ले और हमें यहाँ से मान सम्मान पूर्वक यहाँ से उठाकर अपने घर भेज दें। और अगर सरकार जीतती रवे पर अड़ी रहेगी तो फिर जीत तो हमारे अंदर ही बहुत है। हम भी किसान हैं, हम भी मरोड़ काट दिया करें। हमने तो बड़े बड़े मरोड़ काट दी, फिर हम मरोड़ काट देंगे। मर्दानी फाउंडेशन के हमारे साथी हैं, बहने हैं जो करनाल से, आज वे 50 फुट लंबे बैनर पर हमारे सहयोग के लिए खून के द्वारा लिखकर मोदी जी के नाम संदेश लेके आए हैं और उन्होंने अपना सहयोग और समर्थन हमें दिया है। हम उनका बड़ा आभार प्रकट करते हैं और उनका धन्यवाद कर देते हैं दिल से कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी खून से लिखकर 50 फुट का बैनर जो लिख कर दिया है, ये छोटी बात नहीं है। इस बात पर अगर आप भी मोदी जी नहीं समझा, आज ये एक संस्था है, कल को 50 आएंगी, परसों को 100 आएंगी और मोदी जी सारा देश आपके खिलाफ खड़ा जाएगा। आपको अगर इस खिलाफत से बचना है तो जल्दी से जल्दी हमारे बारे में सोचें और हमें हमारे हक देकर हमें मान सम्मान पूर्वक वापस अपने घर भेजें। स्वामीनाथन लाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख खातों में दूंगा, काला धन लाऊंगा, ये सब इसने अपने घोषणा पत्र में लिखे थे। जो एक भी मतलब इसने धरातल पे एक भी ये लागू नहीं किया है, इसी के ऊपर ये हमने गीत बनाया है। मोदी जी को क्या पता किसान किसको बोलते हैं। मोदी की जो मोदी जी की तो ये भाषा है, जो अडानी और अंबानी कह रहे हैं ना, मोदी जी तो वही कह रहे हैं। मोदी को तो पता ही नहीं है कि किसानी होती क्या है, उसको क्या पता। तो इसलिए ये किसानों का दर्द है, किसानों के बीच में रहेंगे या मोदी जी किसानों के बीच में आएंगे तो उसको पता लगेगा कि किसान कितने दर्द में है और जो ये 3 काले कानून जो सरकार बना रही है ये कितने मतलब पूरी एक
ब्रह्मांड का ही सत्यानाश करने के हैं। जो हमारी भूमि है कृषि योग्य, एक किस्म से जो सरकार है इसको कारपोरेट घरानों को गिरवी दे रही है और हमारे जो किसान को मजदूर बनाना चाहती है। आंदोलन ये काफी एक महीने चला हुआ है और काफी बड़ा रूप इसने ले लिया है। मोदी जी ने जो भी जिद कर रखी है ये ठीक नहीं है, गलत है। ये इतना लंबा अड़ना चाहिए, अपने देश प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास रखता है। मोदी जी ने जब 4-5 दिन आंदोलन हुए तो वहाँ जो है उस गुजरात जाने की बजाय दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर आकर के किसानों के बीच में बैठ करके किसान भाइयों से ही बात कर लेते, भाई क्या दिक्कत है आप लोगों को, वहीं पर समस्या समाधान हो जाता और मोदी जी और फेमस हो जाते, वहां पर आने को क्या, आने में क्या दिक्कत थी उनको। जनता से भी जागरूक हो गई है, सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है वो भी हमारे पास आ रहे हैं, सभी इस आंदोलन में सक्रिय हो गए हैं। आज एक टीम आई थी करनाल से, उन्हें बल्ड से काफी कुछ लिख रखा था, अगर मोदी जी या सारा देश उससे सीखना चाहे तो उनसे सीख करके इस आंदोलन को वापिस लें, और नहीं तो ये आंदोलन वैसे ही उग्र होता चला जाएगा और कभी भी इतनी भीड़ पता नहीं लगता, भीड़ का चेहरे का नहीं पता लगता क्या रूप धारण कर ले आंदोलन ने। जल्द से जल्द मोदी जी ने इसकी तरफ ध्यान देकर इसको जो है निपटा लेना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.